राज्य सचिवालय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के साथ बैठक की। इस बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी बातें एक दूसरे के सामने रखी। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश न्यू पेंशन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों को इस सरकार पर पूरा भरोसा है। ओपीएस की बहाली हो पाई, इसका फॉर्मूला सिर्फ एक है, वो है ओपीएस। हम शुरू से एक ही मांग करते आ रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली, और आज भी हमारी बैठक में यही बात हमने रखी है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि हमने पहले से ही जब वादा ओपीएस बहाली का किया है तो हम ओपीएस बहाल करेंगे और जो एकमात्र मांग हमारी है उसको जो है पूर्ण करने जा रहे हैं। क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी डिमांड्स दी गई हैं जिनमें उस पर भी चर्चा हुई है कि कई सारे लोग जो हैं वो सेवानिवृत्त होंगे, उनसे पहले जो है उनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए ताकि सरकार जल्द से जल्द जो है वो इस ओपीएस बहाली को बहाल कर पाए? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि 15 मई 2003 के बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर हुए हैं उन सबको पेंशन मिलनी चाहिए और जितने भी आज इस महीने रिटायर होंगे या भविष्य में रिटायर होंगे उन सबको जो है पेंशन मिलनी चाहिए और उन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया है, हम सभी को पेंशन देने जा रहे हैं और प्रदेश में जो है पेंशन बहाल होगी। क्या ये कहा है कि फर्स्ट? बिल्कुल, ये सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है और आज भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिल्कुल यही शब्द यहाँ दोहराए और उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप फर्स्ट कैबिनेट का वेट कीजिए और फर्स्ट कैबिनेट के दिन हम 100% आपकी पेंशन बहाल करने जा रहे हैं। कितने कर्मचारी जो आपके ऑफिशिएट थे आज इस बैठक में भाग लिए? आज हमारे लगभग 35 के आसपास कर्मचारी थे जो इस बैठक में यहाँ पहुँचे थे। जी बिल्कुल, अभी कितना? लगभग 10 से 12 हज़ार ऐसे कर्मचारी है जिनको ये फायदा जो है मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।